लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। साडे नाल संजय खुराना जी ने जेडे कि सी आई आई दे नॉर्थ इंडिया दे एम एस एम ई दे चेयरमैन ने। संजय जी, अज बजट आया, बड़िया उम्मीदा सी लोगों नू, सी आई आई नू किन्निया कु उम्मीदा सी और किन्निया कु उम्मीदा पूरिया हुई ने? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस ऑपरचुनिटी टू शेयर माई थॉट्स विद यू। जो सबसे बड़ी जो सी आई आई ने जितनी भी सजेशंस प्री बजट में दी थी, काफ़ी हद तक सरकार ने उनके ऊपर गौर किया और उनके में से कुछ क्रियान्वित भी करी। जिसमें सबसे बड़ा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, एक बहुत बड़ी डिमांड सीआईआई की काफ़ी सालों से चल रही थी, तो उसको माना गया। सेकंडली, क्योंकि मैं एमएसएमई कमेटी को हेड करता हूं, तो एमएसएमई इसके लिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, जो बैंकों से रुपया आज हमारे सेक्टर को नहीं मिल रहा। आज आप किसी भी बैंक के पास जाएँ, बहुत कंस्ट्रेन है बैंकर को एक एसएमई को पैसा देने के लिए। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया कि क्रिएशन ऑफ सबॉर्डिनेट डेट, अब वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। उसके क्या क्रियान्वित नीति होगी, क्या उसकी डिटेल्स आएंगी, उसको देखना पड़ेगा, बट एक बहुत भारी कदम है। दूसरा, जो उन्होंने आज एक इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में जो रिलीफ्स दिए हैं, जबकि उसके साथ साथ कुछ एग्जेम्पशंस को ख़त्म कर दिया, बट मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर हमने सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है, अगर हम एक ईज़ ऑफ लिविंग की जो बात कर रहे हैं, आज एक नारा है ईज़ ऑफ लिविंग का, 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, आज जो ईज़ ऑफ लिविंग का नारा दिया, अगर वो काम करने हैं तो हमें ये एग्जम्पशंस वगैरह से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि टू फॉर अ सिंप्लीफिकेशन कि हाँ जी आप इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना टैक्स दीजिए, मैटर ख़त्म, नो डिस्प्यूट्स, नथिंग डूइंग। सो वो एक वेलकम स्टेप है। उसके अलावा, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन एक बहुत बड़ा कृषि डिपेंडेंट रीजन है, तो उन्होंने कृषि के लिए जो 16 बिंदु का एक एजेंडा बनाया है, वो भी एक बहुत महत्वाकांक्षी एजेंडा है। अगेन, वो कितना ज़मीनी तौर पे क्रियान्वित होगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी पेशेंस रख के उसको क्लोजली देखना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बहुत बड़े कदम की अनाउंसमेंट्स करी हैं उन्होंने कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा एक्सपेंस करेंगी, कि सरकार पैसा लगाएगी। अब पैसे का आज की डेट में तो रेवेन्यू साइड पे कंस्ट्रेन है, तो मेरी तो यही आशा है कि जितना वो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही हैं, अगर उतना वो रेवेन्यू इकट्ठा कर पाती हैं और वो एक्सपेंस होता है, तो उससे नॉर्दर्न रीजन को पर्टिकुलरली, जहाँ पे 100 नए एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, तो उसमें से कुछ ना कुछ नॉर्दर्न रीजन में भी ज़रूर आएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ को बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसकी वायबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एयरपोर्ट बना दिया गया, क्या वहाँ पे वायबिलिटी है या नहीं है? जिस तरह चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ की एग्जांपल लें, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट वायबल है, लेकिन उसके बावजूद कुछ फ्लाइटें बंद हो गई है क्योंकि वायबल नहीं बैठ रही थी। तो ये जहाँ तक वायबिलिटी का सवाल है, वो एक इकोनॉमिक्स वो एयरलाइंस को करनी पड़ेगी। सरकार एक मूलभूत ढांचा प्रोवाइड कर सकती है, सरकार एक आपको प्लेटफॉर्म दे सकती है, अब उसके ऊपर व्यापार करना ना करना वो एक प्राइवेट सेक्टर का काम है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाकी उन्होंने आज पावर सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं कि पावर सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से इनकम टैक्स में दिया जाएगा, दर लगाई जाएगी 15% की। स्मार्ट मीटरिंग की बात हुई है, थर्मल पावर जो अपग्रेड नहीं होंगे उनको, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कि हम उनको बंद तक करने की उन्होंने बात करी है। सो काफ़ी प्रैग्मेटिक स्टेप्स हैं जो कि उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको ऑनर करते हुए, प्लस जो उन्होंने आज एक बात ये करी है कि जो टू मेकिंग इंडिया और जो एसएमई सेक्टर जो हमारा इस समय जूझ रहा है चीप इम्पोर्ट से, कि उनके ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और सारे एफटीएस को दोबारा रिव्यू करने की बात है। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में, उन्होंने सितंबर तक का टाइम दिया है कि हम इसके सारे एफटीएस को एक कमेटी बना के रिव्यू करेंगे, और जहाँ जहाँ एफटीएस के माध्यम से एफटीएस का ज़रा पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, हमारे कुछ कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कि जहाँ से आप बगैर ड्यूटी के माल इम्पोर्ट कर सकते हो, तो वो जो माल हिंदुस्तान में आता है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट करता है।
तो ये भी एक सजेशन था CII का कि FTA सारे रिव्यू की जाए, कि हम ये नहीं कहते कि आप उनसे वो कैंसिल कर दें क्योंकि आपके इंटरनल कमिटमेंट है, बट जहाँ पे उन FTAs का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। तो सर, आप MSME में से जुड़े हुए हो, तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है पिछले 5-7 सालों में और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है या बिजनेस बंद हुए हैं, वो स्मॉल सेक्टर में ही हुए हैं। तो वो स्मॉल सेक्टर को किस तरह से ये गवर्नमेंट पुश देगी, क्योंकि बात बहुत कर रही है। आज उन्होंने स्मार्ट सेक्टर, आज स्मॉल सेक्टर के लिए उन्होंने जो एक बहुत बड़ी एक आवाज़ दी है कि हमें नई टेक्नोलॉजी, नई नीतियों और रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऊपर उन्होंने बातें की हैं। अब वो थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी दो कदम आगे बढ़ा के आना पड़ेगा। मैं भी एक दूसरे चैनल से भी बात कर रहा था कि अब जैसे आज हम डिलेड पेमेंट्स का इतना दुहाई लगाते हैं, अब उन्होंने इस बजट में भी और पिछले बजट में भी डिलेड पेमेंट के ऊपर इतने सख्त कानून लाए, बट वो हमें थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी हमें कम फॉरवर्ड आके उन स्कीमों में, उन्होंने आज ऐप बेस्ड इनवॉइस डिस्काउंटिंग की बात करी है कि अगर मैंने आपको माल दिया है आप ऐप के ऊपर वो इनवॉइस अपलोड कर दीजिए और कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको डिस्काउंट करके आपको पैसे दे देगी, वो उनसे पैसे अपने आप लेते रहे। अब ये तो थोड़े से इनिशिएटिव इंडस्ट्री को भी लेने पड़ेंगे। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।